भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने दो दिवसीय गाजीपुर दौरे के दौरान आज प्रातः गाजीपुर सर्किट हाउस में वर्तमान एवं पूर्व जन प्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों से अलग अलग बैठक करके औपचारिक मुलाकात करते हुए कार्यकर्ताओं की समस्या को सुना और उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश सह संगठन मंत्री भवानी सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह, विधान परिषद सांसद विशाल सिंह, चंचल विधायक अलका राय, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरोज कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री कृष्ण बिहारी राय, हरिनाथ सोनकर, सरिता अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, शीला सोनकर, ओम प्रकाश राय, प्रवीण सिंह, दया शंकर पांडे, राजेश्वर सिंह, राघवेंद्र सिंह, अवधेश राजवर, श्याम राज तिवारी, राम नरेश कुशवाहा, मुराऊ राजवर सहित आदि अन्य लोग उपस्थित थे। गाजीपुर से गुड्डू राय की रिपोर्ट, SKH न्यूज। 33 करोड़ आबादी अमेरिका की, 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, एक उत्तर प्रदेश में एक लैब नहीं था टेस्ट करने के लिए कोरोना महामारी में। अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश बर्बाद हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और इस देश को आदरणीय मोदी जी और इस राज्य को योगी जी ने कोरोना से बचा लिया मित्रों। और आप बचाए ही नहीं, आज के डेट में आत्मनिर्भर भारत हो रहा है मित्रों। आज पहली बार इस देश के अंदर यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन का निर्माण किया है मित्रों, और वैक्सीन जो बनाया है 125 देशों में वैक्सीन भेजने का कोई काम कर रहा है आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं मित्रों, और राज्य को बचा लिया है मित्रों। उस समय सांसद जी ने चर्चा किया था गोबर से धोकर निकालकर मित्रों, कोरोना जैसी महामारी में मार्च से लेकर नवंबर तक आठ महीने लगातार कोरोना जैसे महामारी में 8 महीने तक गरीबों के घर में 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल देने का फ्री में किसी ने काम किया मित्रों, आदरणीय मोदी जी योगी जी के मित्रों। इस राज्य के अंदर पहली बार इस राज्य के अंदर इस प्रकार की मित्रों हुआ। यही नहीं, पूर्वांचल में दिमागी बुखार से महाराष्ट्र विधायक जी है शहादत दे दिया मां के सम्मान के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, भारत मां के खुशहाली के लिए और यहां के गरीबों के खुशहाली के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के लिए शहादत दिया। ऐसे इस धरती के लालों को, इस धरती के पूर्वजों को, इस धरती के माता पिता को
इस धरती के बच्चों को प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, 1942 के सत्याग्रह में, अन्य आंदोलनों में दौरान गाजीपुर के लोगों ने अपने गौरव से निडर होकर अंग्रेजों का सामना किया। सहजानंद सरस्वती जी, भागवत मिश्रा जी, रामराज सिंह जी, रामस्वरूप पांडे जी, डॉक्टर सी पूजन राय जी और वन नारायण राय जी, अन्य महान लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इस मिट्टी में जन्मे परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता वीर अब्दुल हमीद जी को मैं नमन करता हूं, और जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके